पर आपका बैलेंस 60,000। वो पैसे तो भेज दिया, 1,000 बैलेंस। बॉस ने बोला नहीं, 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 नहीं मिला जी। बहन जी, आपके 600 पुराने बैलेंस हैं, सिर्फ 500 बाकी हैं। क्या मुसीबत। इस मुसीबत का हल है सिर्फ खाता बुक ऐप, जो करे आपके सारे हिसाब किताब आसान। अब खाता हुआ खाता बुक। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दिल ललन टॉप देख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने फिर से झंडे गाड़ दिए हैं। आपने 70 में से 62 सीटों पर कामयाबी पाई है। बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं। कांग्रेस का फिर से खाता नहीं खुला है। नजफगढ़ सीट भी आपकी झोली में गई है। आखिरी राउंड के बाद आपके कैलाश गहलोत ने बीजेपी के अजीत सिंह खरखड़ी को 6,893 वोट से हरा दिया। कांग्रेस के साहब सिंह काफी पीछे रह गए, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। लेकिन नजफगढ़ सीट के नतीजे से आम आदमी पार्टी ने इतिहास बना दिया है। पार्टी के कैलाश गहलोत ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर जीत हासिल की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार इस सीट पर कोई पार्टी दो बार जीती है। आपके सिर पर इसका सेहरा सजा है। इससे पहले नजफगढ़ में कभी कोई पार्टी लगातार दूसरी बार नहीं जीत पाई थी। यहां पर 20 राउंड तक वोटों की गिनती हुई। नजफगढ़ विधानसभा सीट पर पहले राउंड में कैलाश गहलोत 85 वोट से आगे थे। दूसरे राउंड में बीजेपी के अजीत सिंह आगे हो गए थे, उन्हें 621 वोट की बढ़त थी। लेकिन इसके बाद आप उम्मीदवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने प्रत्येक राउंड में बढ़त को बनाए रखा। आखिर के राउंड में गहलोत ने वोटों के अंतर को बढ़ाया और निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। 6 में से 3 बार निर्दलीय जीते हैं। नजफगढ़ सीट पर निर्दलीयों का दबदबा रहा है। 1993, 2003 और 2008 में यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतते रहे हैं। 1998 में कांग्रेस के कंवल सिंह यादव जीते थे, लेकिन दोबारा कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। बीजेपी ने 2013 में यहां खाता खोला था। अजीत सिंह कमल निशान पर विजयी हुए थे, लेकिन 2015 में आपकी आंधी में बीजेपी के हाथ से यह सीट निकल गई थी। कैलाश गहलोत ने आपका नजफगढ़ में खाता खोला था, वे 1555 वोट से जीते थे। गहलोत आम आदमी पार्टी के मुख्य जाट चेहरा है। वे केजरीवाल सरकार में यातायात और पर्यावरण मंत्री रहे हैं। नजफगढ़ सीट हमेशा से मुख्य दलों के आगे देखती रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इनेलो इस सीट पर हमेशा से ताकतवर रही है, लेकिन कभी उसे यहां जीत नहीं मिली। इनेलो के भरत सिंह पिछले 2 चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। वे 2008 में निर्दलीय लड़े और विधानसभा पहुंचे। इस बार के विधानसभा चुनाव में भरत सिंह मैदान में नहीं उतरे। निर्दलियों को भी सीट पर काफ़ी वोट मिलते रहे हैं। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे शक्ति। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।